नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेज में। आज की हमारी क्लास कुछ अलग होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं सुपर फास्ट एमसीक्यू सीरीज, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट वन है। यह क्लास इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जैसा कि आप चिन्ह देख पा रहे हैं, विकल्प है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दो नंबर, अग्नि का शमन क्या है? विकल्प है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जब किसी आग को बुझाना होगा तो आपको ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको कट करना पड़ेगा, तभी आपकी आग बुझेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या तीन नंबर, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? विकल्प है धूम्रपान, कंपन क्षरण या रेडियो एक्टिविटा। तो रेडियो एक्टिविटा आप जानते हैं ये रासायनिक है, धूम्रपान भी रासायनिक है, क्षरण भी क्या है ये रासायनिक हानि है, जबकि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपन। कंपन जो होता है वो भौतिक हानि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या चार नंबर, निम्न में से अग्नि रोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो इसका विकल्प है पहले क्या करेंगे, खींचेंगे या निशाना लगाएंगे या दबाएंगे या घुमाएंगे। तो अगला विकल्प है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना या ढकेलना या व्यवस्थित करना या दबाना या घुमाना या फिर ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना या अनुक्रम। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब आपको अग्निशमक यंत्र कोई मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें जो कील लगी होती है उसको खींचेंगे, इसके बाद निशाना लगाएंगे, निशाना लगाने के बाद जो हैंडल होता है उसको दबाएंगे, इसके बाद जो पाइप लगी होती है उसको क्या करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, कभी इधर घुमाएंगे कभी इधर घुमाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या पाँच नंबर, यह सुपर फास्ट सीरीज चल रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्लास इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए चल रही है, जो इस समय एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हें बेहतर अंक पाने के लिए इस क्लास को रेगुलर देखते रहिए। चलिए पांच प्रश्नों के आप पांच पढ़ते हैं। फाइव ईयर संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टेराइजेशन को इंगित करता है? यानी फाइव ईयर एक संकल्पना होती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका विकल्प है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही विकल्प कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन डी सही होगा, चतुर्थ चरण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या छः नंबर है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो कौन सा आप प्लायर यूज करेंगे ताकि एक आप हुक बना लें? तो विकल्प है फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो हुक बनाने के लिए प्लायर का मुँह क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। जो प्लायर होता है उसका जो ऊपर का जो फेस होता है वो राउंड होता है और उसका मुंह नुकीला होता है और लंबा होता है, तो इसलिए इसको राउंड नोज प्लायर के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा आप एक अच्छे तरीके का हुक बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या सेवन नंबर, पिंसर का क्या उपयोग है? विकल्प है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने में या छोटे व्यास के तार को काटने में या लकड़ी में से पिन या कील निकालने में या छोटी वस्तुओं को पकड़ने जहाँ उंगली
न पहुंच सके। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी में से पिन या कीले निकालना। तो पिंसर का मेन कार्य यही होता है, जब कोई लकड़ी में कील फंस जाती हो तो उसको निकालने के लिए हम पिंसर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, ये जैसा कि आप चिन्ह देख रहे हैं इसको देख के आपको बताना है। तो विकल्प है आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह या निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है किसी भी गलत कार्य को मना करना। सूचनात्मक चिन्ह का मतलब आपको सूचना देता है। सचेतक चिन्ह का मतलब आपको आगाह करता है। आवश्यक चिन्ह का मतलब जो आपके सुरक्षा के लिए आवश्यक है उसके बारे में बताता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। विकल्प नीला है, श्वेत या पीला या हरा, तो कौन सा कलर होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग पीला होता है, यानी उसका जो बैकग्राउंड होता है वो पीला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। जब विद्युत से कोई आग लग जाती है तो उसके लिए आप कौन से अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर का आप यूज करेंगे। विकल्प है हैलोन या झाग प्रकार का या गैस कारतूस प्रकार का या संग्रहित दबाव प्रकार का। तो सही विकल्प क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैलोन टाइप का। हैलोन टाइप का अगर आपके पास अग्निशामक यंत्र है या कार्बन डाइऑक्साइड है या CTC है तो इससे आप आग को बुझा सकते हैं। वो कौन सी आग होती है, किस टाइप की आग होती है, तो विद्युत से लगी आग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 नंबर। अवशिष्ट निपटारण विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। विकल्प है पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण या अवशिष्ट संघनन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। एप्रन, चश्मा, कान कवच या नाक कवच। तो आपको धुएं से बचना है तो आप कौन से PPE का उपयोग करेंगे। तो धुआं कहाँ लगता है, आँख में लगता है, तो आँख में आप क्या पहनते हैं, चश्मा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, चश्मा, गोगल्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। BIS का पूर्ण रूप क्या है, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर। भारी भार उठाने और अशांतित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। विकल्प है विंच, विंच या क्रेन, स्लिंग या लेयर या रोलर्स या मशीन चालित प्लेट्स। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रेन या स्लिंग्स। कोई भी भारी चीज़ उठाना है तो आप क्या यूज करेंगे, क्रेन का यूज करेंगे या स्लिंग का यूज करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 15 नंबर। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। विकल्प है अग्नि में ईंधन मिलाना या अग्नि से ईंधन अलग करना या जल का उपयोग करके तापमान कम करना या ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्टार्विंग का सही अर्थ है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। तो आज हमने 15 प्रश्न पढ़े हैं, अगले क्लास में हम 15 प्रश्न पढ़ेंगे। ये सुपर फास्ट सीरीज चलती रहेगी। आपको यह क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं वो इस क्लास को ज्वाइन करिए, इससे जुड़े रहिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी प्रॉपर होगी और अच्छे अंकों के साथ आप पास होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।